इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगली बड़ी खबर भगवान महाकाल के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए है। उज्जैन का महाकाल मंदिर 80 दिन बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद 9 अप्रैल को महाकाल मंदिर में एंट्री बंद कर दी गई थी और उसके 80 दिन बाद आज से सुबह 6 बजे से मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री शुरू कर दी गई है। अभी मंदिर पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन श्रद्धालु अब मंदिर के लिए तय किए गए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महाकाल के दर्शन कर सकते हैं और मंदिर में लोगों की भीड़ ना उमड़े उसके लिए रोजाना के लिए श्रद्धालुओं की तादाद भी तय कर दी गई है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल तय किए गए हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहला है ऑनलाइन बुकिंग। महाकाल के दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना होगा। ऑनलाइन बुकिंग की डेट से 2 दिन पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए या फिर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज जिन्हें लग गई हैं उन्हें दर्शन की अनुमति दी जाएगी। महाकाल मंदिर में हर रोज सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ 3500 लोगों की एंट्री हो सकेगी। इसके लिए 2 घंटे के 7 टाइम स्लॉट बनाए गए हैं जिसमें 500 लोगों की एंट्री होगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।